हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप है यू ऑल आर एंजॉयिंग द होल लेक्चर सीरीज वी ऑलरेडी अपलोडेड। इन दिस वीडियो व्हाट वी डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो व्हाट डिस्कस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर टीबीपी स्क्वायर पैरामीटर्स ऑल वी डिस्कस। ठीक है, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑल वी नो ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं आपके, सिक्स होते हैं आपके। ठीक है, सिक्स लिगेंड्स आपके, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है, सबको पता है आपका। अब हम इनकी स्प्लिटिंग देखनी है। सबसे पहले क्या थिंग्स होती है आपके, डी के आपको पता है कि फाइव ऑर्बिटल्स होती हैं। तो आपके जैसे ये है आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5, आपका डी एक्स वाई, सेकेंड वन इज डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर देन डी जेड स्क्वेयर। ओके, तो फर्स्ट हम इसकी थ्योरी बता देते हैं आपको कि क्या है, बाद में हम जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपिटेटिव एग्जाम्स में वैसे तो आप सोल्व कर लोगे इजिली। क्या लिखना भी पड़ेगा ना थोड़ा बहुत आपको, कि यूनिवर्सिटीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, तो सबसे पहले बताओगे आप जैसे मेटल है और लिगेंड है। ठीक है, सिंपली पहले अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप कोई भी अप्लाई नहीं कर रहे, लिगेंड आपका अप्रोच नहीं कर रहा है मेटल को, तब आपके सारे डी ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब होता है आपका इक्वल एनर्जी। ठीक है, सबकी इक्वल एनर्जी है एक ही स्टेट पे, बट जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आप लिगेंड को अप्रोच करता है तो ये स्प्लिट हो जाता है टू ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एक सेट आपने सुना होगा T2G एंड सेकेंड सुना होगा आपका EG। हम आपको बताएंगे कि जी वा हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जी यूज करते हैं वैसे सिमेट्रिकल के लिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री होती है ना, हम कैसे, तो ये सिमेट्रिकल के लिए जी। अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करें तो वहाँ पे सिमेट्री नहीं होती, तो वहाँ जी यूज नहीं करते, वहाँ पे सिंपल T2 और E को ही हम यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बताते हैं कि जब अप्रोच नहीं कर रहा तो ऑल जितने भी आपके 5D ऑर्बिटल्स हैं ऑल आर डीजनरेट। व्हेन द लिगेंड अप्रोच करेगा देन आपका डिसाइड करेगा ना कि लिगेंड किस साइड से अप्रोच कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि लिगेंड अप्रोच करता है उस डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर से, तो जिस साइड से करेगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। तो आपको पता है कि जिनकी एनर्जी लो होती है, कम होती है, उनको हम नीचे रखते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको ऊपर लिखने वाले। तो लिगेंड आपके अप्रोच कर रहे हैं आपके डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये ऑर्बिटल्स होते हैं आपके डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, और टी टू जी में होते हैं आपके डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स वाले। ठीक है, वो अप्रोच कर रहे हैं, बाद में कुछ इंट्रैक्शन होएगा आपका और कॉम्प्लेक्स की जैसे फॉर्मेशन होती है। तो आपका जैसे लिगेंड से अप्रोच, तो आपके दो सेट्स में डिवाइड, और ये जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम डेल नोट बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं आपके डेल नोट। ठीक है, नोट हम यूज कर लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल होता तो आप टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी CFSC, जिसका नाम होता है आपका क्रिस्टल, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो क्या होती है, सिंपली यही है कि CFSC आपने सुना होगा, दो कॉम्प्लेक्स हैं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी CFSC ज़्यादा होती है ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स हम मानते हैं, ज़ूम करते हैं। ठीक है, तो यही है कि आपका एनर्जी जो स्टेबलाइजेशन है T2G ऑर्बिटल्स का ओवर द EG, तो ये तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बाद में आपका है कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करनी पूछते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे कि आपका लो स्पिन है, हाई स्पिन है, किसी में स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड दे रखा हुआ लो, तो पहले आप स्प्लिटिंग करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन रिपेयरिंग, फिर आप डेल नोट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो कितनी वैल्यू होती है, तो आप इसको लिख सकते हो -2.5 डेल्टा नोट, यहाँ लिख सकते हो आप 3/5। ठीक है, अगर वैसे सोल्व करो तो आप यहाँ लिख सकते हो -0.4, यहाँ पे होता है 0.6। ठीक है, अब आप मान लिया कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है कोई, और उसके लिए आपको CFSC कैलकुलेट करनी है। D2 में जो लो स्पिन हो हाई स्पिन हो सेम ही थिंग्स की बात है आपका, तो अब हमें दो इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो सबसे पहले तो आपके T2G में ही जाएंगे, वो T2G में हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 0.4 CFSC वैल्यू, तो 2 का करोगे तो आप 0.4 × 2, तो वैल्यू आ जाएगी -0.8 डेल्टा नोट। मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स आपका D4 होता, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या आपका लो स्पिन है। ठीक है, तो हम आगे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जैसे D4 है, एक आपका ये कंडीशन हो सकती है कि हाई स्पिन है, सेकंड हो सकती है कि आपका लो स्पिन है। अब आपको पता है कि हाई स्पिन कब होगा, वीक फील लिगेंड में आपका लो स्पिन होने वाला है, वीक फील लिगेंड आपका ये
और एक है आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनका पेयरिंग करवा देता है तो वो लो स्पिन की फॉर्मेशन करता है, और अगर वीक फीलिंग तो पेयरिंग नहीं करवा पाता तब आपका आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें भी आपकी टू कंडीशन होती है, अब ये ध्यान रख लो आप, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है, एक स्ट्रॉन्ग बंदा है एक वीक बंदा है, तो स्ट्रॉन्ग वाला है वो तो सबके साथ पेयर करके रह जाता है, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, उसके पास भाई टेंडेंसी है स्ट्रॉन्ग बंद, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग पेयरिंग करवा देता है इलेक्ट्रॉन को। मान लिया कि आपके इलेक्ट्रॉन जैसे हम की चार थे तो ऊपर चला गया एक ईजी वाले में, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनके पेयरिंग करवा के इसको नीचे ही ले आता है ये, तो ये T2G3 EG1 था ना, तो ये T2G4 कर देता है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन कर देता है, ठीक है, पेयरिंग स्ट्रॉन्ग वाला। लेकिन वीक फीलिंग भाई वो वीक है ऑलरेडी, तो वो तो पेयरिंग करवाने की कोई टेंडेंसी नहीं रखता, तो वो तो आपके ईज में ही रहने वाले हैं। तो आप याद ध्यान रखो कि वीक वाला हमेशा अपोजिट रहेगा, वीक है तो यहाँ ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे लो रहेगा, अपोजिट टर्म याद रख लो आप, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये देख सकते हो कि डेल नोट की वैल्यू अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तब आपका कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट, अगर डेल नोट की वैल्यू कम और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो आपका वीक फीलिगेंट। इससे क्वेश्चन देखे गए हैं जेम्स में, क्वेश्चन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या कोई भी, तो इन टर्म से जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, आगे हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, तो ये आपको टर्म ध्यान रखनी है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो पी क्या होती है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी होती है आपकी, पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये है कि मान लो आपको चार इलेक्ट्रॉन फील करने, तो तीन यहाँ हो गिर एक वहां चला गया, अब अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आप पेयरिंग मतलब पेयरिंग करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में, अगर ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है आपको किस में पड़ेगी, वो वीक वाले में, तो इसलिए हमने लिखा है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको तो वो किस में होगा, वीक फीलिगेंट में। पेयरिंग एनर्जी कम है आपको, कम रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रॉन्ग बंदा अपने आप ही कर लेगा, तो डेल नोट ज्यादा होगी, ये दोनों अपोजिट, तो अगर CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं, चार कॉम्प्लेक्स मिलेंगे उसमें क्या होगा कि जैसे तीन वीक फीलिगेंट देती है एक स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट, क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ मोर CFSC, तो आपको कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, पहले डायरेक्ट ये चेक किया करो कि स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट है वीक फीलिगेंट, दो आपके ऑप्शन तो ऐसे इलिमिनेट हो जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट वाले की CFSC हमेशा ही हाई होती है कंपेयर टू वीक फीलिगेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिस्कस बाद में आप स्ट्रॉन्ग वाले में कैलकुलेट कर लोगे किसकी इतनी है, जैसे हम एग्जाम्पल्स लें, एक आपका कॉपर Na3+2, एक आपका Cu Cl6+2-, एक हमने मान लिया CuF6 मान लो, या आपका H2O है H2O6+2। अब इनमें से पूछ लिया कि आपका किस में CFSC ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, कॉपर प्लस टू में ही है सारे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है सबकी, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देख लिया सेम है। अब यहाँ पे चेक करोगे आप, सबसे पहले निकालना नहीं आपको, निकालने के लिए देखो यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे Cl H2, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पहले लिखा है, उसकी एक वीडियो भी है, शॉर्ट भी डाली हुई है चैनल पे, वो भी चेक कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट हमेशा उसकी याद रखने का वे भी मैंने सिंपल बताया था कि सबसे ज्यादा आपका कार्बन डोनर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बाद में हैलोजन और वाटर आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट क्या है, अमोनिया है, तो स्ट्रॉन्ग वाले की हमेशा CFSC क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो पेयरिंग करवा देते हैं, तो आप ऑप्शन डायरेक्ट कर कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कर दोगे, कब करोगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट सब मेटल की सेम हो, ऐसे नहीं कर देना कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेक ही नहीं की और वैसे ही डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि लिगेंड कौन सा है, अगर सेम आ जाते हैं लिगेंड भी सेम तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, फिर आप इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके कि आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और D4 है आपने, या D5 मान लो आप, D5 है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3, 4 और 1, 5। 1 की कितनी होती है 0.4, 3 की कितनी हो जाएगी 4, 3, 12, तो -1.2, प्लस 1 की कितनी होगी 0.6, 2 है तो कितनी होगी +12, तो इसकी कितनी होती है आपको पता है कि D5 हाई स्पिन की वैल्यू होती है 0। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे, कुछ क्वेरी रहती है अगर आप कमेंट करोगे कि ज्यादा हमें एग्जांपल्स की नीड है प्रैक्टिस करवाने, तो हम नेक्स्ट वीडियोज में एग्जाम्पल भी देख लेंगे, नहीं तो स्प्लिटिंग देखेंगे टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर रोल दैट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।